हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बीटरूट और गाजर गाजर के कटलेट्स। सबसे पहले एक पैन लीजिए और उसमें तेल गरम कर लीजिए। फिर जैसे ही तेल गरम हो जाए तो उसमें सबसे पहले हम डालेंगे राई, साथ ही हम जीरा भी डालेंगे। इसमें डालेंगे कड़िया पत्ता, उसके बाद हम डालेंगे कटे हुए प्याज, इसे अच्छे से मिला लीजिए। इसे अच्छा फ्राई होने दीजिए। इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अच्छे से मिला लीजिए इसे। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, अच्छे से इसे मिला लीजिए। इसे अच्छे से भून लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। हमने आलू को उबाल लिया और उसे मैश कर लिया है। इसके साथ हम डालेंगे किसे हुए गाजर। आप चाहे तो अनार भी डाल सकते हैं इसमें, अनार का डालें। साथ ही डालेंगे किसा हुआ बीट रूट। स्वाद अनुसार नमक, तब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। सिर्फ अच्छी तरह मिला लीजिए। साथ में डालेंगे हम इसमें ब्रेड क्रम्स। पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे कढ़ाई में निकाल करके। ठंडा होने के बाद हम इसमें मिलाएंगे हमारे ब्रेड क्रम्स। इसे अच्छे से मिला लेंगे।
अब हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे। ऐसे करके हम एक 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 कटलेट्स बना लेंगे। अब हम इसे सेवई से कोट कर लेंगे। ऐसे हम अभी सभी कटलेट्स बना लेंगे और इसे सेवई से कोट कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में तेल ले लीजिए, उसमें हम कटलेट्स को फ्राई करेंगे। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लीजिए, हमारे कटलेट्स बनके तैयार है। अगर आप हमारे चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लीजिए, कटलेट्स बन के तैयार है, गर्मा गर्म खाने के लिए रेडी। थैंक यू।